अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ दूध दुलारी बनाना। ये एक मुझसे काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी और मीठों में ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे चाहिए होगी चमचम, मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि चमचम किस तरह बनाते हैं। जो पहले सिखाई उन पर थोड़ी सी कोकोनट वगैरह है वो आप ना ऐड कीजिएगा, सादे रख लें। अगर आप चाहते हैं तो बेशक आप उसको कोकोनट में भी ऐड कर सकते हैं। तो चमचम चाहिए आपको, साथ ही आपको चाहिए फ्रूट कैन कॉकटेल का, मिक्स वाला आपको चाहिए। अगर आप मिक्स नहीं पसंद करते हैं, बेशक सादा पाइन एप्पल भी आप इस्तेमाल करते हैं जो टिटबिट्स होते हैं। साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगा फ्रेश होल मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क जो आपको इजीली डब्बों में मिल जाता है। अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो आपको इजीली मिल जाता है, जो आप चाय कॉफी में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं तो बेशक आप इसकी जगह डबल क्रीम इस्तेमाल कर लें, जो थिक होती है टेट्रा पैक वाली। दो कलर की आपको जेली चाहिए होगी, रेड एंड ग्रीन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख लें, ये कलर्ड वर्मसेली हैं, यानी कि सेवइयां हैं। ये कलर्ड आपको इजीली मिल जाती हैं हमारी देसी शॉप से, एशियन शॉप से। ये आपको चाहिए कंडेंस्ड मिल्क, आपको चाहिए इसके अंदर स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क जो होता है थिक वाला, वो आपको चाहिए। ये मेरा होममेड खोया है जो कि मैं रिकॉटा चीज से बनाती हूँ। आप देख रहे हैं इसमें धुआं निकल रहा है क्योंकि मैंने गर्म गर्म बनाया है। साथ ही आपको चाहिए होगा इसकी खुशबू के लिए केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर लें, रोज एसेंस, इलायची पाउडर, जो आपका पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पे केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक हांडी ले लेंगे, उसमें आप डालेंगे दूध और दूध को आपने इतना पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट लो टू मीडियम पर रख के। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसको लो टू मीडियम पर रख के कुक करेंगे फॉर 20 to 25 मिनट्स। वजह ये कि हमने दूध को गाढ़ा करना है और प्लीज़ बीच बीच में आपने चमचा हिलाते रहना है और साइड पे जो जो क्रीम बनती है होल मिल्क की वजह से आप उसको बीच में ही डालते रहेंगे। चमचा लाने की वजह कि आपका जो है दूध नीचे लगना नहीं चाहिए, वरना आपकी जो दूध लारी उसमें जलने का जायका आ जाता है। तो जैसे इसमें जोश आता है लो टू मीडियम पर रख के कुक करें फॉर 20 to 25 मिनट्स। पर आप देख लें कि दूध में बॉइलिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप इसको बिल्कुल मीडियम पे पहले कर लेंगे ताकि ये उबल कर बाहर ना आ जाए दूध। और आपको यहाँ पे एक टिप देती जाती हूँ, आप देख रहे हैं साइड साइड पे जो दूध के यहाँ पर बलाई सी जम रही है, ये आपने यूं जो है ना बीच में रुक रुक के आपने चमचे के साथ में उतार करके दूध के अंदर ही ऐड कर लेनी है। ये इसको बड़ा ज़बरदस्त मलाई का इफेक्ट जो एक नेचुरल दूध का होता है वो नेचुरल ही होता है, ये आपने कर लेना है। यूं साइड साइड से आप करते रहेंगे। चूल्हा आपने बिल्कुल लो टू मीडियम पर रख लेना है। दूध को हमने इतना अच्छी तरह पकाना है कि कम से कम इसके 2 से 2.5 कप दूध कम हो जाना चाहिए। वो आपको किस तरह चलेगा, दूध गाढ़ा होना शुरू होता है, उसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे दूध में जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है आप इसमें ऐड करेंगे जो आपका इवेपोरेटेड मिल्क है। ये इसको इतना ज़बरदस्त टेक्सचर देता है क्रीमी, क्योंकि ये जो दूध दुलारी होती है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। तो इवेपोरेटेड मिल्क से ही होता है कि आपका दूध जो है बिल्कुल एक किस्म की 100% मलाई की तरह होना शुरू हो जाता है। तो अब आपने इसको लो टू मीडियम पर रख के कुक करना है और मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। और आप देख रहे हैं कि जो हमने इवेपोरेटेड मिल्क डाला था उसकी वजह से कितनी ज़बरदस्त ऊपर से ये मलाई सी बन रही है। साइड साइड से भी जो है स्क्रेप करके मैं इसको बीच में कर रही हूँ। और इस तरह आपने कर लेने के बाद इसको यहाँ पर कुक होते हुए मीडियम में देख लें कितनी थिक सी मलाई सी बन जाती है। ये जो हम इवेपोरेटेड मिल्क डालते हैं, आपको उसका टिप देती हूँ, ये जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता है ये रबड़ी का काम देता है बीच में, यानी कि आपका दूध के जायके जो है बिल्कुल रबड़ी की तरह हो जाता है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे, इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं दूध को, जो हमारी कलर्ड वर्मसेली है यानी कि सेवइयां, ये इसको बीच में ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमने इसे भी कुक करना है बीच में। इसको कुक करने से ये होगा कि ये थोड़ा और गाढ़ेपन की तरफ आता है। आपको पता ही कि सेवइयां जो होती हैं इसमें क्योंकि स्टार्च होती है तो ये इसको गाढ़ा करती है। तो हमने जैसे जैसे आगे पकता जाएगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर आपने चूल्हा जो है लो टू मीडियम पर कर लेना है और अब हम सेवइयों को भी बीच में पका रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें कि हमने इसे अच्छी तरह पहले दूध को पकाया, जैसे मैंने आपसे कहा था 25 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट बाद हमने बीच में सेवियाँ ऐड कर ली थी। सेवियाँ जो होती हैं सेवियाँ इसके अंदर एक स्टार्च होता है जो दूध को और थिक करता है। या और हमने इसको सेवियाँ डालने के बाद फर्दर 20 मिनट्स कुक किया। चूल्हा हमने बंद कर देना है क्योंकि ठंडे हो जाने पर जो है दूध हमारा और थिक हो जाएगा। मेक श्योर कीजिएगा ज़्यादा दूध ना पका लीजिएगा, वरना फिर आपको बीच में दूध और ऐड करना पड़ जाएगा। तो आपने थिकनेस की तरह थोड़ा ध्यान देना है कि देख लें अभी सेवियाँ जो हैं बीच में हल्की हल्की आपको फ्लोट होती नजर आ रही है। ठंडे होते ही
ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसमें हमने बाकी की चीजें किस तरह ऐड करनी है। प्लीज जितनी भी जो ये है हमारा दूध दुलारी, मेक श्योर कीजिए बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए, इसमें कोई चीज हम गर्म गर्म में ऐड नहीं करेंगे। और आप देख लें कि बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ठंडे हुए आप देखेंगे कितना ये दोबारा गाढ़ा हो गया है। आपने दिमाग में ये जरूर रखना है कि हमने इसमें जब चमचम भी ऐड करनी है वो भी दूध को अब्सॉर्ब करेगी, तो अगर आप इसको ज्यादा दूध को ड्राई कर देंगे, ये आपने हिसाब रखना है कि जैसे इसमें बबल्स आप देखें आपने इसको बिल्कुल बंद कर लेना है, ठंडा होने देना है। और यहाँ पे ठंडे हो जाने के बाद आप देख लेंगे जेली जो है यहाँ पे सेट हो चुकी है। एक नाइफ लेंगे आप और आपने इसे जो है यूं पहले काट लेना है, तो उसकी पहले कटिंग कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हैं कि मिक्सिंग किस तरह होगी इसकी। अब हम क्या करेंगे, जेली को आपने काट लेने के बाद बीच में ऐड कर लें, थोड़ी सी बिल्कुल रहने देंगे, देख लें इतनी सी बिल्कुल के ऊपर गार्निशिंग के लिए ताकि खूबसूरत लगेगा। साथ ही इसमें हम रेड वाली ऐड कर रहे हैं, जो हमारे चमचम है ये अब इसमें ऐड कर लेंगे और जो हमारा लार्ज कैन जो मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रूट का, इसका जो जूस है आप डिस्कार्ड कर लीजिएगा और ये भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ये चीजें तमाम जब ये ठंडा हो जाता है तब ऐड करते हैं। साथ ही हम ऐड कर रहे हैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क स्वीटेंड, चीनी का इसमें हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डालकर अच्छी तरह पहले इसको मिक्स करेंगे और यहीं पर मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर ताकि इसकी अच्छी खुशबू आएगी। इसको पहले अच्छी तरह मिक्स आउट कर लेने के बाद आप इसे थोड़ा सा और गार्निश कर लें। वैसे इतनी खास जरूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि ऑब्वियसली आपको वैसे भी नजर आ ही नहीं होगी जेली वगैरह इसके अंदर, लेकिन जरा खूबसूरत लगता है क्योंकि जो दूध दुलारी होता है ये बड़ा कलरफुल बनता है सेवइयों की वजह से और बीच में चमचम वगैरह होते हैं, आप कलर भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, लेकिन क्योंकि ये दूध दुलारी है तो ये सिंपली इसमें व्हाइट वाली चमचम अच्छी लगती है। साथ ही ऊपर डालेंगे इसके खोया और इसे आप ठंडा करेंगे और जब आप इसको सर्व करेंगे तो खाने वाले आपको दुआएं देंगे और याद रखेंगे कि उन्होंने कोई खास चीज खाई है। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको जाना होगा, आपको जैसे हमेशा कहती हूँ मेरी वेबसाइट पर जरूर बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।